Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is endure. It was a request by Big B, and Big B, here's your lesson. Endure is a verb and it has two meanings. The first meaning, to suffer something difficult or unpleasant. देखिए कोई मुश्किल चीज है या कोई नागवार चीज है, उस मुश्किल या नागवार चीज को या सिचुएशन को झेलना, बर्दाश्त करना, इसको एंड्योर करना कहते हैं. अब ये मुश्किल चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे जिंदगी के अप्स एंड डाउन होते हैं, कोई मुश्किल फेज है लाइफ का, कोई इंसान उस फेज में से उसको बर्दाश्त करके, उसको झेल के बड़ी स्ट्रेंथ के साथ गुजरता है, तो इसका मतलब है कि उसने उस फेज को, लाइफ के उस डिफिकल्ट फेज को एंड्योर किया है. ठीक है, अब इसी तरह से एंड्योर जो है ये फिजिकल पेन भी हो सकती है, जैसे किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो गई या कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गया और वो उस फिजिकल जो भी उसकी बीमारी है या जो भी उसका प्रॉब्लम हो रहा है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी हिम्मत के साथ उसको जो है वो बर्दाश्त कर रहा है और उस बीमारी से निकलने की या उस पेन से निकलने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसकी फिजिकल पेन है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उस फिजिकल पेन को एंड्योर कर रहा है, मतलब कि उसको बर्दाश्त कर रहा है, उसको झेल रहा है और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, इसी तरह से और भी चीजें हो सकती हैं लाइफ की, जैसे किसी को अगर किसी दूसरे इंसान का बहुत देर तक इंतजार करना पड़ जाए या किसी भी चीज का बहुत देर तक इंतजार करना पड़ जाए, इंतजार भी ऐसी चीज है जो अनप्लेजेंट है, अच्छी नहीं लगती है. ठीक है, तो उस इंसान ने उस वेट को इंड्योर किया. ठीक है, उसको बर्दाश्त किया, वो जितनी भी देर उसको इंतजार करना पड़ा. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी की फालतू बातों को बर्दाश्त करना पड़ जाता है, तो आपने उसकी फालतू बातों को इंड्योर किया. ठीक है, कोई भी अनप्लेजेंट चीज, कोई भी डिफिकल्ट चीज, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, कुछ भी है, फिजिकल है या वो नॉन फिजिकल चीज है, कुछ भी है जो कि अनप्लेजेंट लगती है, इंसान को डिफिकल्ट लगती है, उस चीज को बर्दाश्त करने को, उस चीज को सफर करने को, उस चीज को झेलने को एंड्योर करना कहते हैं. ठीक है, इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर कोई चीज बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो एग्जिस्टेंस में रहे, वो कायम रहे, ठीक है, वो वजूद में रहे, वो मौजूद रहे, तो उसको भी एंड्योर करना कहते हैं. जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आप देखिए वो कितने कितनी सदियों तक वो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं अपनी जगह पर, जिस तरह से वो उनकी जो भी कंडीशन होती है, जाहिर बात है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंज तो आ चुका होता है, लेकिन ऐसी कोई पुरानी बिल्डिंग जो बहुत सालों तक जो है वो खड़ी हो, वो खराब ना हुई, बहुत बुरी हालत उसकी ज्यादा खराब ना हुई हो या वो बिल्कुल ही खत्म ना हो गई हो, अगर वो खड़ी है अपनी जगह भी, तो इसका मतलब है कि उसने इतने सालों तक वो एंड्योर किया है उसने. ठीक है, मीन्स के वो इतने सालों तक जो है वो बिल्डिंग उस जगह पर एंड्योर हुई है. ठीक है, इसी तरह से अगर जैसे किसी इंसान का करियर है, अगर वो एक खास फील्ड में अपना करियर बनाता है और बड़े लंबे अरसे तक जो है वो उस जगह पर जो है वो टिका रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका करियर जो है वो एंड्योर हुआ है इतने लंबे सालों. जैसे कोई इंसान कह सकता है कि मेरा 30 सालों का लंबा करियर है, तो वो कह सकता है कि माई करियर एंड्योर्ड फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स. ठीक है, कि मेरा जो करियर था वो 30 साल तक चला, मतलब ऐसी चीज जो लंबे अरसे तक जो है वो एग्जिस्टेंस में रहे, वो चले. इसी तरह से जैसे हमारी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, वो देखिए कितने अरसे से चल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि दीज ट्रेडिशंस आर एंड्योरिंग फॉर सो लॉन्ग, कि ये इतने लंबे अरसे से जो है वो ये ट्रेडिशंस चल रही हैं. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो एक लंबे अरसे तक जो है वो वजूद में रहे, चलती रहे, एग्जिस्टेंस में रहे, तो उस चीज़ के लिए भी आप ये वर्ड एंड्योर इस्तेमाल करेंगे. आई होप कि आपको एंड्योर का मतलब समझ में आ गया होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज शी हैड टू एंड्योर रेसिस्ट कमेंट्स एट द वर्क प्लेस, कि उसको अपने काम करने की जगह पे, जो भी काम करने की उसकी जगह है, वहाँ पर उसको रेसिस्ट कमेंट्स जो होते हैं वो बर्दाश्त करने पड़े. ठीक है, ये जो नस्ल को लेकर या जात पात को लेकर इस तरह के जो, या स्किन कलर को लेकर इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं, इनको हम रेसिस्ट कमेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो उसको अपने काम की जगह पर जो ना इस तरह के कमेंट्स को बर्दाश्त करना पड़ा, झेलना पड़ा, तो उसने एंड्योर किया उन कमेंट्स को. ठीक है, अ सेकेंड एग्जाम्पल इज वाई आर यू एंड्योरिंग दिस इंसल्ट, कि तुम इस इंसल्ट को क्यों बर्दाश्त करो. हो सकता है ना किसी कोई ऐसी सिचुएशन है, किसी को किसी जगह पर कोई इंसल्ट बर्दाश्त करना, तो आप कह सकते हैं वाई आर यू एंड्योरिंग दिस इंसल्ट, कि तुम इस इंसल्ट को क्यों बर्दाश्त कर रही हो, मतलब कि या कर रहे हो, मतलब इस जगह को छोड़ दो या उस इंसान को छोड़ दो जो कि इंसल्ट कर रहा है. ठीक है, या कर रही है. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज देयर फ्रेंडशिप एंड्योर 30 लॉन्ग ईयर्स, कि उनकी जो दोस्ती है वो 30 लंबे साल उसने गुजारे हैं. ठीक है, मतलब 30 सालों से उनकी दोस्ती जो है वो कायम है. ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड. आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल. इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.